हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भारत आईटीआई जॉब रोजगार अड्डा। भारत का सर्वश्रेष्ठ टेक्निकल जॉब अपडेट चैनल में आप सभी इंजीनियरों का मैं स्वागत करता हूं। तो एक वैकेंसी निकल के आई है रेलवे की ओर से, ठीक ना, रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ यहाँ पर पश्चिम मध्य रेल की ओर से, जो रेलवे रिक्वायरमेंट सेल वेस्ट सेंट्रल में आती है, ये जबलपुर की ओर से वैकेंसी निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा। यूट्यूब पे तो बहुत सारा यहाँ पे वीडियो बन चुका है इस टॉपिक पे, लेकिन मैं आप लोगों को समझाता हूँ। हालांकि मैं ये वीडियो नहीं बना रहा था, ओके, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए कि सर थोड़ा डिटेल में इसको समझाइए, कोई संतुष्ट नहीं कर पाया है, हमें समझा नहीं पाया है, ओके। तो मैं सोचा चलो यार बना ही देते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये जानो कि ये जो भर्ती निकली हुई है ना रेलवे में, तो ये GDC की भर्ती है, ठीक ना। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए वैकेंसी निकली है। GDC क्या होता है मैं आप लोगों को समझाता हूँ, हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा। ये ओपन जो एक भर्ती निकलती है, ओपन मार्केट में जो भर्ती निकलती है, एक वो होता है, एक डिपार्टमेंटल होता है, ओके। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब क्या है, कि एक जो वर्कर खुद काम कर रहा है उसी डिवीज़न में, ठीक है, तो उन्हीं को मौका दिया है कि भैया आप टेक्नीशियन है, सीनियर टेक्नीशियन है या फिर हेल्पर हैं, तो आप ALP बन सकते हैं अगर आप ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं तो, ठीक है। ITI सोलर ट्रेड है या जैसे कि सिविल से है, मैकेनिकल से है और इलेक्ट्रिकल से है, तो आप एलिजिबल हो डिप्लोमा किए हो तो एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ओके। उन लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप चाहते हैं, इच्छुक हैं, ठीक है, तो आप ड्राइवर बन सकते हैं। उन लोगों के लिए वैकेंसी निकली है, तो उन्हीं लोग के लिए वैकेंसी निकली है, ओके। अब देखो यहाँ पे जो वैकेंसी निकल के ये जो PDF आउट किया गया था, 6/6/2023 को ये पब्लिक किया गया था, और यहाँ पे डेट ऑफ पब्लिकेशन से WCR इसको ऑफिशियल वेबसाइट पे मतलब किया था ये 7/6/2023 को, लेकिन ये फॉर्म भराना 10/6/2023 से स्टार्ट होगा और 30/6/2023 तक आप एलिजिबल हो तो फॉर्म को भर सकते हो, ये बात साफ साफ लिखा गया। देखो यार, अभी उड़ीसा जो हादसा हुआ है जो रेलवे वाला, ठीक है, तो बहुत सारे जो कि हैं कि आदमी यहाँ पे डेट किए हैं, तो यही सब देखते हुए सरकार थोड़ा खलबली मच गया है कि भाई हमको जो भी बंदा चाहिए तो थोड़ा ट्रेंड हो, ठीक ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे क्या कि सर इस पर क्या फ्रेशर वाला जो वैकेंसी निकलेगा या ओपन निकलेगा तो उस पर क्या कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा, मैं आप लोगों को हर बात समझाऊंगा। देखो यहाँ पे आप लोग का ये हो गया, 30 तक आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस, यहाँ पे GDC का यही फुल फॉर्म होता है, आप लोग यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, ऑनलाइन फॉर्म को भरना है, ओके। अब देखो यहाँ पे सीट की संख्या है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा दिया गया है कि देखो यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट आप लोग का पद रहने वाला है, आप लोग का Level 2 का सैलरी यहाँ पर भी आप लोग को मिलेगा, मतलब कि 1900 से लेकर आप लोग का यहाँ पे आप लोग का बेसिक आप लोग का 67,700 कुछ रहेगा, ओके। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद से मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे दिया गया, UR के लिए आप लोग का 193 पोस्ट है, SC के लिए 40 है, ST के लिए 22 है, OBC के लिए 24 है, टोटल आप लोग का 279 आप लोग का पोस्ट रहने वाला है, ओके। और उसके बाद से नीचे आइएगा तो यहाँ पे सब चीज़ दिया गया, इंपॉर्टेंस इंस्ट्रक्शंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बारे में क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। मैं आप लोग को डायरेक्टली मुद्दा पर लेकर चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं कि आप लोग को डायरेक्टली ले लिया जाएगा, एग्ज़ाम होगा CBT के द्वारा, एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर टेस्ट आप लोग का एग्ज़ाम होगा, CBT पास करना होगा, ओके, तब जाके आप लोग को हो सकता है इंटरव्यू ले, ये लोग इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद से आप लोग को मतलब कि आप लोग ड्राइवर बनिएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप लोग को रख लिया जाएगा। कैंडिडेट शुड यहाँ पे शुड इंटर यहाँ पे फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल, डेथ सर्टिफिकेट, रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट एज सर्विस रिकॉर्ड सब मतलब ये सब जो भी चीज़ है आप लोग का सर्टिफिकेट है, ये सब चीज़ लीगली होना चाहिए, ये सब चीज़ अब लगाना होगा आप लोगों को। एज लिमिट की बात किया जाए तो यहाँ पे देख लीजिए, एज आप लोगों को बहुत ज़्यादा है, टेंशन नहीं लेना है कि भैया एज बहुत कम है क्या ज़्यादा है मेरा हो गया है, ठीक है, एज कम दिया गया है यहाँ पे, तो 42 साल, 45 साल, 47 साल आप लोग को यहाँ पे ये देखिए मौका दिया गया। जनरल वालों को देखिए यहाँ पे बोला गया, UR से हैं तो आप लोग 47 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं, ST से हैं तो यहाँ पे सब चीज़ डिटेल में दिया गया, आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद से देख लेना नीचे में यहाँ पे सब चीज़ लिखा गया, आप लोग इसको पढ़ लेना, डेट ऑफ बर्थ किससे कितना मतलब दिया गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से मैं आप लोग को बता देता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है कि 10th पास हो, ठीक है, ITI किए हो, आप एलिजिबल हो फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है, चाहे आप अप्रेंटिसशिप किए हो
तो भी आप एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए। मैं आप लोग को दिखा भी देता हूँ क्वालिफिकेशंस, मिनिमम क्वालिफिकेशन यही है आप लोग का, और डिप्लोमा किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को एलिजिबल फॉर्म को भर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो कंप्यूटर आप लोग का जो एग्जाम होगा सीबीटी के बाद, मैं आप लोग को पहले ही बताया था, यहाँ पे देखो 90 मिनट आप लोग को टाइम रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको टच करना पड़ेगा। ओके 90 मिनट टाइम, 100 क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा भैया मारने के लिए। ओके उसके बाद देखो कैटेगरीज यहाँ बांट दिया गया कि कौन कितना नंबर लाएगा, तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे तो आप लोग को आरक्षण दिया जाएगा, कुछ नहीं आरक्षण दिया जाएगा। यहाँ पर सिलेबस देख लेना कि आप लोग से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा बोर्ड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एससीएफ, रेशियो, प्रोपोजेंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद सिमेट्री, स्टेटस, स्क्वायर रूट, कैलकुलेशन, कैलेंडर, जनरल इंटेलिजेंस में देख लेना यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पर नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग्स, मैथमेटिकल्स, यहाँ पे ऑपरेशंस, रिलेशंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वेन्स डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशंस यहाँ पे, एंड सफिशियंट्स, कैलकुलेशंस एंड डिसीजन मेकिंग्स, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस एनालिटिक रीजनिंग, यहाँ पे क्लासिफिकेशंस, यहाँ पे सब चीज़ लिखा गया। कंप्यूटर वैसे जो आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा तो यहाँ पे दिया गया, वो सब चीज़ यहाँ पे देख लेना, ठीक है। उसके बाद से नीचे आओगे तो आप लोग का ये जो आप लोग का नॉर्मलाइजेशन होगा तो आप लोग का ये दिया गया कि इसी के आधार पर आप लोग का होने वाला ये चीज देखो यहाँ पे दिया गया, एक मिनट, ठीक ना, इसी आधार पर होता है नॉर्मलाइजेशन। और यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप दिया गया कैसे कैसे आप लोग को अप्लाई करना है, वो सब चीज़ यहाँ पर दिया गया, डॉक्यूमेंट्स सब चीज़ अपना लीगली हर चीज़ से लगाना। ओके मैं आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्वालिफिकेशंस जो आप लोग का रहने वाला असिस्टेंट लोको पायलट, ठीक ना, आप लोग का ये सैलरी उर्ली है यहाँ पे देख लेना आप लोग। ओके यहाँ पे आप लोग ये सब चीज़ देख लेना। उसके बाद से देखो टेंथ मैं पहले ही बता दिया था, टेंथ पास हो, आईटीआई किए हो या अप्रेंटिसशिप किए हो एलिजिबल फॉर्म को भरने के लिए, रेलवे से उबली से किए हो एलिजिबल हो, डिप्लोमा किए हो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, इलेक्ट्रॉनिक से, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से किए हो, कोई दिक्कत नहीं है एलिजिबल फॉर्म को भरने के। स्पेसिफिक ट्रेड फॉर्म यहाँ पे देखो पर्पस फॉर यहाँ पे अबव आर द फिलो, देखो यहाँ पर ट्रेड देख लेना आप लोग, जैसे कि फिटर से हो, इलेक्ट्रिशियन से हो, इंस्ट्रूमेंट से हो, मैकेनिक से हो, मिल राइट से हो, मेंटेनेंस मैकेनिक से हो, मैकेनिक से रेडियो टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से, इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर व्हीकल्स, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक से, आर्मेचर, कॉयल बाइंडर या मैकेनिक्स, डीजल, हीट इंजन, ये सभी लोग एलिजिबल है फॉर्म को भरने के लिए। ये ट्रेड पूरा टोटली आईटीआई वाले के लिए है। ओके और अच्छा और बात आप लोगों को बताना था कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर नया जो वैकेंसी निकलेगी जो ओपन, तो क्या इससे इफेक्ट इस पर पड़ेगा क्या? कुछ नहीं इफेक्ट पड़ेगा। ओके ये डिपार्टमेंटल है तो डिपार्टमेंटल बंदा ही इसमें जाएगा, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग को वैकेंसी 23 से 24 में आप लोग को बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। ओके तो आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। और हाँ अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आईटीआई इलेक्ट्रिशियन से किए हैं तो, और फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे कि आप लोग को CBT 1 होगा, ठीक ना, CBT 1 और CBT 2 के लिए आप लोग को प्रिपरेशन जो कर, CBT 1 में आप लोग का फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूछा जाता है, ठीक है। तो जैसे इसके झा सर का बुक जो है आप लोग को, वो बुक मैं आप लोग को PDF में प्रोवाइड करवा सकता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकता हूँ, और आप लोग का यूथ कंपटीशन का बुक जो होता है PDF वो चीज़ आप लोग को अवेलेबल मैं करवा सकता हूँ, आप लोग को मिल जाएगा। कंप्यूटर चाहिए तो कंप्यूटर का भी आप लोग को मिल जाएगा। जो भी स्टडी मटेरियल आपको चाहिए, हिंदी इंग्लिश जो भी चाहिए, आप SMS करना दिए गए नंबर पर, जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर SMS करना कि सर हमें ये चाहिए, आप लोग को मिल जाएगा। ओके तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट करो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और हिट द बेल आइकन। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, वंदे मातरम, आपका दिन शुभ हो।